हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए अब पहुंचते हैं आगे। अब एक नया क्वेश्चन, अब कंसोनेंट HNO3 डाल दिया जाए तो क्या होगा? कंसोनेंट HNO3 जब आप लेंगे तो ये बात तो तय है कि कंसोनेंट का मतलब है बहुत ज्यादा HNO3 है, बहुत ज्यादा आपको इलेक्ट्रोफाइल्स मिलेंगे, और जितने इलेक्ट्रोफाइल्स आपको मिलेंगे उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा और सारी पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाएगी, जैसा कि आपको यहां नजर आ रहा है। ऑर्थो भी ऑक्यूपाई हो गया और पैरा भी ऑक्यूपाई हो गया, तीनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ गए, एक अच्छी बात है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये देखिए 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जो कि फेमस है पिक्रिक एसिड के नाम से, राइट। लेकिन एक इशू है यहां पे, इसकी यील्ड बहुत पुअर है। अब उस यील्ड के पुअर होने का क्या रीजन हो सकता है वो देखिए। कंसर्नड HNO3 तो एक अच्छी चीज है, काफी ज्यादा NO2 सप्लाई कर रहा है और जहां जहां नेगेटिव चार्ज डेंसिटी थी वहां वहां NO2 जुड़ भी जाना चाहिए था, जुड़ा भी है, लेकिन यील्ड पुअर क्यों हुई? तो उसका जवाब सुनिए। देखिए, कंसर्नड HNO3 काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन काफी विग्रस होती है, रिएक्शन से काफी हीट रिलीज होती है, नंबर वन एक्सप्लोजन के भी चांसेस होते हैं, करेक्ट, क्योंकि ये खुद इटसेल्फ मिलिट्री एक्सप्लोसिव है और साथ में रिएक्शन अगर हाईली एक्सोथर्मिक होगी तो एक्सप्लोजन के चांसेस बनते हैं, नंबर वन। फाइन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही है, यहां से H हट रहा है और H की जगह NO2 आगे जुड़ रहा है, तो एक तरह से ऑक्सीडेशन तो वही है ना, कार्बन से H जुड़ा हुआ था, अब कार्बन उसके सामने तो नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट शो करता है हाइड्रोजन के सामने, लेकिन नाइट्रोजन के सामने तो पॉजिटिव शो करेगा, तो ऑक्सीडेशन ही हुआ है सामने वाले कंपाउंड का। तो HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बात बिल्कुल जम गई, रिएक्शन काफी विग्रस है और हो सकता है एक्सप्लोजन भी हो जाए, क्योंकि जो चीज बन रही है वो भी काफी एक्सप्लोसिव है, और साथ ही साथ यहाँ पे दूसरे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स भी साइमल्टेनियसली बाय प्रोडक्ट्स के तौर पर बन जाते हैं, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले बाय प्रोडक्ट्स तो बनते भी हैं। लेकिन मेन इशू क्या था? मेन इशू मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लोजन का एक प्रॉब्लम है। नंबर टू सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे जैसे ये कंपाउंड बनने लगता है तो सारे NO2 एक साथ नहीं आते, स्टेप वाइज मैनर में आते हैं, और जैसे जैसे NO2 इस रिंग पे जुड़ने लगते हैं, आपको अच्छे से बताया NO2 का विड्रॉइंग नेचर काफी स्ट्रॉन्ग है, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी रिंग पे बढ़ी थी उसको और बढ़ाएंगे नहीं, उसको कम कर देंगे। आप नोटिस कीजिए, ऊपर जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ था वो तो अपना लोन पेयर डोनेट करके अंदर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रिच कर रहा था, बढ़ा रहा था, जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल तेजी से उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल इतने खराब हैं कि जब ये उससे जाकर जुड़ गए तो अपने ही जैसे लोगों को आने में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गए। क्यों? क्योंकि पहले रिंग पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, जो इलेक्ट्रोफाइल था NO2 पॉजिटिव वो तुरंत इसकी तरफ पहुंचा, और जैसे ही इसके साथ जब ये जुड़ गया तो इसने अपने इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिए। इफेक्ट क्या दिखा रहा है? विड्रॉइंग नेचर शो कर रहा है, विड्रॉइंग नेचर अगर शो कर रहा है तो रिंग पे डेंसिटी कम करने लग जाता है, और रिंग पे डेंसिटी कम करने लग जाएगा तो अब जो नए आने वाले NO2 पॉजिटिव है उनका अटैक उतना ईजिली नहीं हो पाएगा जितना कि हो सकता था, और उस दौरान दूसरे प्रोडक्ट्स तेजी से बनने लग जाते हैं और इसीलिए बाय प्रोडक्ट्स ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आपको और इसकी यील्ड कम हो जाती है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब इसकी अच्छी यील्ड ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाए? यहाँ पे देखिए गुड यील्ड में ये आ रहा है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड मैं भूल ना जाऊँ इसलिए पिक्रिक एसिड की एक बात मैं आपको बता देता हूँ, द ओनली एसिड जिसमें एसिडिक ग्रुप नहीं है फिर भी ये उन एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, आगे भी बोलूंगा, यानी कि ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ चुका है। पिक्रिक एसिड एकमात्र ऐसा एसिड है जिसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है, आप नोटिस कीजिए, लेकिन इन NO2 ने इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले आपको, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड बना दिया है। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी है, पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, तो स्टूडेंट जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर को तो सबसे लास्ट में रख देते हैं कि इसमें तो COH है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, बाकी तीन स्ट्रक्चर में COH प्रेजेंट होता है, तो सारा दिमाग उन तीन में लगाते रहते हैं कि इनमें से कोई स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जबकि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये होता है। तो एकमात्र ऐसा एसिड है जिसमें COH ना होने के बावजूद ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए इस ऑनर में इसको नाम दे देते हैं पिक्रिक एसिड, नाम के आगे भी एसिड इसीलिए लगाया है कि आपके दिमाग में रहे बात। फाइन, चलिए तो ये बन गया, अब यहां पे ये बन रहा है गुड यील्ड में। अब इसको गुड यील्ड में बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? अच्छी यील्ड लाने के लिए, तो अच्छी यील्ड लाने के लिए इसमें पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला जा रहा है और उसके बाद कंसंट्रेटेड HNO3 डाला जा रहा है। क्वेश्चन ये कि कंसंट्रेटेड H2SO4 को तो आपने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया था इनिशियली, जब हमने स्टार्ट किया था कि मैंने कहा था कंसंट्रेटेड HNO3 तो छोड़ो, कंसंट्रेटेड H2SO4 भी हम यूज़ नहीं करते और डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करते हैं। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में फिनॉल में आप कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 साथ में डाल देते तो क्या होता? एक्सप्लोजन, क्योंकि रिएक्शन वैसे ही काफी एक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स, और उसमें आप कैटलिस्ट डालकर उसको और ज्यादा एक्टिवेट कर दोगे तो फिर तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी होगी और प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो इसलिए हमने कंसंट्रेट H2SO4 प्रेफर नहीं किया था, इवन हमने तो कंसंट्रेट भी प्रेफर नहीं किया, हमने तो डाइल्यूट प्रेफर किया। फिर क्वेश्चन आ रहा है फिर यहां क्यों प्रेफर कर रहे हो? देखिए अंतर है, एक साथ मिलाना और एक एक करके मिलाना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। आप यहां पे देखें तो यहां पहले अकेला कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाया गया है, उससे कुछ प्रोडक्ट आपको ऑप्टेन हुआ है, और उसके अंदर फिर कंसंट्रेटेड HNO3 मिलाया गया है, स्टेप वाइज मैनर में काम हुआ है, और इस वजह से यील्ड बहुत बेटर आ जाती है। अब ऐसे स्टेप लेने से क्या फायदा हो गया?
तो उसका आंसर सुनिए अच्छे से। ये एक्सप्लेनेशंस आपको नहीं मिलेंगे, बहुत ढूंढने पर मिलेंगे, इजीली नहीं मिलेंगे। फाइन, एनसीईआरटी में तो एक क्वेश्चन बनाकर छोड़ दिया गया है कि आप बस इसकी रिएक्शन लिख दीजिए, एक्सप्लेनेशन वहां पे भी नहीं है। और नॉर्मली आपको ऑर्डिनरी बुक्स में तो एक्सप्लेनेशंस नहीं मिलेंगे, आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनिए। देखिए, इसके अंदर कई सारी चीजें काम में आती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि H2SO4 वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3 से, पहली चीजें पता होनी चाहिए। जो H2SO, दूसरी चीज NO2 जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है और एक SO3 जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉगर है SO3H के मुकाबले। टेबल होती है, उस टेबल में SO3H बाद में आता है और NO2 पहले होता है। तो NO2 से SO3H जो कि यहां पे भी आएगा, उसका माइनस आई इफेक्ट वीकर है। नंबर वन, ऊपर देखिए ये NO2 थे, इन्होंने विड्रॉ किया था रिंग से काफी, इसीलिए रिंग पे नए अटैक नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अगर अंदर SO3H जुड़ा रहेगा NO2 की जगह, फाइन, तो उतना इफेक्टिवली विड्रॉ नहीं करेगा, क्योंकि एस है ना भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही कम है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, तो वो अटैक की अवेबिलिटी बढ़ाता है। नंबर वन। दूसरा, उतना स्ट्रॉगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जितना कि HNO3 था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, रिएक्शन विग्रस हो सकती है, ये रिएक्शन को आराम से चलाएगा। फाइन, चले, तो हमने सबसे पहले डाला कंसंट्रेटेड H2SO4। आपको अच्छे से बताया, जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो सल्फोनेशन होता है, और मैकेनिज्म मैं लास्ट वीडियोस में आपको बता चुका हूं। इससे जो इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलता है वो मिलता है SO3H। अगर आपको मैकेनिज्म देखना है तो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, लास्ट 2 या 3 वीडियो में, आप उसमें जाके देख लें। H2SO4 जब भी आता है तो इससे जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो मिलता है आपको SO3H। मैं लिखता हूं, देखिए, चेक के थ्रू बताऊंगा क्योंकि मैकेनिज्म मैं बता चुका हूं तो रिपीट नहीं करना। ओके, यहां देखिए, HOS डबल बॉन्ड OH, ठीक है, मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं, ये माइनस और ये प्लस, ये वाला जो है ये इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल आपको जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, देखिए जरा, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया हमने, एक्टिवेटिंग ग्रुप तो है ही है, तो SO3H आ गया, SO3H आ गया। दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि ऑर्थो पे लगा दिया, इस पैरा पे लगा दिया, इस एरो को, इस ऑर्थो को क्यों छोड़ दिया आपने? आंसर है, SO3H काफी बल्कि ग्रुप है, तो हिंड्रेंसेस की वजह से अलाउ नहीं करता कि यहां पे आ जाए। बहुत सी बुक्स में आपको यहाँ लिखा हुआ भी मिलेगा, बहुत सी बुक्स में केवल यहीं मिलेगा, कुछ बुक्स में यहाँ मिलेगा, लेकिन इन शॉर्ट हमने सबको कॉमन सिचुएशन अगर हम बनाएं तो मैक्सिमम अमाउंट में आपको ये स्पीशीज मिल जाती है कि यहाँ पे ये बन जाता है और बल्कि ग्रुप होने की वजह से सब जगह नहीं आ पाता। तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जब आप रिएक्शन करते हो तो रिएक्शन उतनी विग्रस नहीं होती जितनी कंसंट्रेट HNO3 के साथ होती है, क्योंकि बल्कि ग्रुप है, उतना तेजी से जाकर नहीं जुड़ सकता। फाइन, तो ये चीज़ आपको मिल जाती है, नाम है फिनॉल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड। फाइन, अब क्या करें? देखिए, अब जब ये चीज बन जाती है, आराम से बन जाती है, अच्छी यील्ड में बन जाती है, अब हम इसके, क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2SO4, अब हम इसमें डालते हैं कंसंट्रेटेड HNO3। अब जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे तो क्या होगा? देखिए, जैसे ही कंसंट्रेटेड HNO3 आएगा, यहां पे SO3H जुड़ा हुआ है, कंसंट्रेटेड HNO3 जब आता है तो इससे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो आपको अच्छे से पता है, वो इलेक्ट्रोफाइल है NO2 पॉजिटिव, और कैसे बना वो ऊपर आपको पता है। ये जो NO2 पॉजिटिव है, ये कार्बन के साथ ज्यादा स्ट्रॉगर बॉन्ड्स बना सकता है यहाँ पे एज कम्पेयर टू दी सल्फर, क्योंकि आप नोटिस कीजिए ना, कार्बन और सल्फर के बीच में गैप बहुत ज्यादा है साइज, सल्फर राइट, और कार्बन तो सेकंड सीरीज का है, सेकंड शेल का कह लीजिए आप, और जो सल्फर है वो थर्ड शेल का है, तो साइज बड़ा है। तो अगर SO3H पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोफाइल के सामने अगर NO2 पॉजिटिव आएगा तो 100% NO2 पॉजिटिव यहां आकर जुड़ना चाहेगा, क्योंकि उसके बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉगर होंगे और SO3H यहां से सब्सटीट्यूट हो जाएगा। इसीलिए तो हम जब H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 को यूज करते थे तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा HNO3 से ही बनता था, NO2 पॉजिटिव H2SO4 से नहीं बनता था, H2SO4 एज अ कैटलिस्ट काम करता था। यहां पे भी वही होगा, H2SO4 का आपने यूज तो कर लिया, लेकिन जैसे ही NO2 पॉजिटिव सामने आएगा तो मजबूरन इसको बाहर जाना पड़ेगा, और जैसे ही कंसंट्रेटेड HNO3 अंदर आएगा, मान लीजिए इससे जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है दैट इज NO2 पॉजिटिव, तो जैसे ही वो अंदर आएगा तो ये स्पीशीज बाहर निकलेगी, करेक्ट, और जैसे ही ये स्पीशीज बाहर निकलेगी ये अंदर आकर जुड़ जाएगा और ये आ गया यहाँ पे, जहां जहां पे ये था वहां वहां पे तो ये आगे जुड़ जाएगा। मैं इसका छोटा सा एक मैकेनिज्म है वो भी समझाऊंगा अभी आपको, पर पहले इन जनरल समझ लीजिए। तो NO2 आएगा और ये SO3H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, तो हम निकाल देते हैं माइनस SO3H, इसको हमने बाहर निकाल दिया और NO2 अंदर जाकर जुड़ गया। फाइन, अब जब NO2 किससे बना? HNO3 से बना। अब HNO3 से ऐसे ही बना होगा ना, ये प्लस और ये माइनस, ये NO2 प्लस बना होगा। अब यहां से क्या बच गया? OH, ये OH इसके साथ जब जुड़ जाएगा तो SO3H में OH जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? H2SO4। तो वापस H2SO4 जो आपने काम में लिया था वो H2SO4 आपको वापस मिल गया। फिर बता देता हूँ, HNO3 से NO2 प्लस मिलेगा तो OH माइनस बचेगा, यहां से SO3H बाहर आ रहा है और OH माइनस के साथ आप उसे जोड़ देंगे तो देखिए H2SO4 वापस बाहर आ जाएगा और इससे NO2 जाकर जुड़ जाएंगे। अब दो पोजीशन पे तो NO2 जाकर जुड़ेगा जुड़ेगा, तीसरे पे भी जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि NO2 उतना बल्कि थोड़ी ना है जितना कि SO3H था, और यहां पे तीनों पोजीशन पे साइलेंटली NO2 ग्रुप आकर जुड़ जाता है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है लेकिन वैसी खतरनाक नहीं है जैसे कि पहले थी, और तीनों पोजीशन पे NO2 जुड़ जाते हैं और यील्ड बहुत अच्छी होती है।
तो यहां पे भी आपको मिला 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड विद वेरी गुड यील्ड। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फाइन, चलिए, आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।